नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि ऑनलाइन शॉपिंग में आप कपड़े की साइज प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहां पे आपको जो साइज की प्रॉब्लम है, आपको वो साइज की प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। हालांकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बना रखी है कि आप किस प्रकार से कपड़े की साइज देख सकते हैं, XL, XXL, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, ये सब क्या होते हैं और इसकी साइज क्या होती है, सब कुछ वहां पे मैंने डिफाइन किया। बट वहां पे कुछ चीजें रह गई थी जो कि मैं यहां पे वन बाय वन करके क्लियर करने वाला। हालांकि मैं इस वीडियो में सिर्फ यहां पे जींस पैंट के बारे में बताऊंगा कि आखिर जींस पैंट के लिए आपको क्या साइज होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मैक्सिमम लेवल तक चल रहा है मार्केट में वो जींस ही चल रहा है, ज्यादातर लोग जींस ही पहन रहे हैं, तो इसलिए मैं यहां पे जींस की साइज में बताऊंगा। हालांकि मैं इस वीडियो में लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए यहां पे साइज कवर करने वाला हूं कि आखिर दोनों के लिए साइज क्या होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहां पे आप शॉपिंग के लिए बहुत से एप्लीकेशन यूज करते होंगे, जिसको जो पसंद है वो करता हो, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, प्लस यहां पे मीशो हो गए और यहां पे मंत्रा भी हो गया, ऐसे मतलब बहुत से एप्लीकेशन आपको दिख जाएंगे। लेकिन इसमें जो आपको साइज चूज करने की प्रोसेस होती है, जो कंडीशंस होती हैं, वो आपको सेम नजर आएंगी। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक जींस पसंद आ गया, मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इसके नीचे यहाँ पे आपको इसका चार्ट दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले साइज का नंबर लिखा है कि 30, 32, 34, 36 और यहाँ पे लिखा है साइज चार्ट। ऐसे ही आपको सारी एप्लीकेशन में देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पे अमेजन हो गया तो अमेजन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको साइज दिख रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे साइज चार्ट दिख रहा है। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मीशो है और मीशो में भी आप वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आ रही है। यानी कि सारे एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन में चले जाए, वहाँ पे आपको मेजरमेंट सेम मिलेगा। लेकिन मेजरमेंट को यदि आप एक बार समझ लेते हैं तब ही आपको किसी भी ऐप से शॉपिंग करने में आसानी रहेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मंत्रा है, तो मंत्रा में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको वैसे ही सेम साइज देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको साइज चार्ट देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन द्वारा पे क्लियर कर देंगे तो सारे एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने यहाँ फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि यदि आप ऐसे अंदाजे पे आके सामान परचेस करेंगे कपड़ा, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है आपका कपड़ा टाइट आ जाए या ढीला आ जाए या बहुत ज़्यादा मतलब वो फिक्स ही ना आए, मतलब आपके साइज़ का ऐसा कंडीशन हो सकता है यदि आप बिना मेजरमेंट के मंगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये ज़रूरी है कि आप अपने कपड़े की मेजरमेंट, अपने बॉडी की मेजरमेंट जाने। तो मेजरमेंट के लिए भाई साहब मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले अपने कमर का नाप पता होना चाहिए यदि आप पैंट परचेस करते हैं, और अपनी हाइट, ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यदि आपको पता नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको नज़दीकी किसी अपने टेलर भाई साहब है, तुमसे जाके अपने साइज़ को नपवा लेना, जैसे कमर हो गया और लेंथ नपवा लेनी है, ठीक। यदि आप कोई लेडीज़ है, यदि आप शॉप पे नहीं जाना चाहती तो आप जाइए किसी शॉप पे और वहाँ से एक मेज़र टेप परचेस करके लाइए और उसे अपना खुद ही नाप सकती है, अपना कमर हो गया और लंबाई, ठीक। नापने के बाद मान लीजिए आपको अब तो पता चल गया कि आपकी कमर 30 की होगी या 32 की होगी, जितनी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए रख लेते हैं कि मान लीजिए आपकी कमर 32 की, ठीक। तो आप आई यहाँ पर और यहाँ पे 32 सेलेक्ट किया और 32 यहाँ पे परचेस कर लिया इसको, क्योंकि ये एक्सपेंड करके आता है। जैसे कि यहाँ पे 32 का लेंगे तो ये 34 होता है, 36 का लेंगे तो 38 होता है, 30 का लेंगे तो 32 का होता है, 28 का लेंगे तो 30 का होगा, ऐसा यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है। मतलब आपको अभी ये बातें समझ में नहीं आएंगी, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं साइज चार्ट ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साइज दिखा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेस्ट दिखा रहा है, वेस्ट मतलब कमर, ठीक। लेकिन यहाँ पे साइज में देख रहे हैं कि 28 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल कमर इसमें दिखा रहा है 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपकी एक्चुअल कमर 30 है तब आप यहाँ पे 28 का साइज ले, यदि आपकी एक्चुअल कमर 32 है, मतलब आपने नापा फीता से मेज़र किया तो आपकी कमर 32 आई, तब वहाँ पे आप 30 लीजिए। यदि आप 32 का लेंगे तो भाई साहब वो ढीला होकर यहाँ पे 34 हो जाएगा, ठीक। आप इन बातों का ध्यान रखें। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन ये सारे कपड़ों में नहीं होती है, मैक्सिमम तक होती है, मैक्सिमम कपड़े के मेज़र तक होती है, बट यहाँ पे सारे में यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि किसी किसी कपड़े में यहाँ पे जितना उसका साइज दिया रहता है उतना ही उसका कमर भी होता है। जैसे कि यहाँ पे उसका 28 रहेगा तो यहाँ पे भी वो 28 ही रहेगा। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है कि चार्ट देखने की, ये नहीं कि किसी भी ऐप से शॉपिंग कर रहे हैं और एक बार ये आपने मेथड समझ लिया, मैंने आपको बता दिया, तो आप वही किए जा रहे हैं कि आपकी कमर 32 के है तो आपने 30 परचेस कर लिया, तो भाई साहब टाइट भी हो सकता है। इसलिए आपको ज़रूरत है उसकी चार्ट देखने की कि आखिर इस कपड़े का चार्ट क्या है, इसका मेजरमेंट क्या है, ये आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे आप चार्ट भी देख लेते हो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका 28 नंबर की जींस है तो इसकी कमर 32 है और यहाँ पे इसकी जो लंबाई है यहाँ पे 42 नंबर का यहाँ पे लंबाई आपको मिल जाती है, जो लेंथ यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो इसकी लेंथ है वो यहाँ पे दिया गया, ठीक। तो यहाँ पे सारा का सारा मेजरमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रांड साइज यहाँ पे 28 दिया गया, तो आप यहाँ पे ब्रांड साइज यहाँ से इसको बोलते हैं, ये 28 है, ठीक। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि आप इस पर ना जाएँ और इसके अंतर्गत जो चार्ट है उसको जरूर देखें। किसी भी ऐप से शॉपिंग है, जैसे यहाँ पे मैंने अमेजन
सीजन खोल लिया, तो यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे 34 का साइज़ है, इसका मैं चार्ट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक, सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लेडीज़ जींस है, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा होगा कि इसमें आखिर क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं, 24 है, 25 है, 26 है, 28 है, 30 है। तो यहाँ पे आप ऊपर साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको साइज़ चार्ट दिख रहा है, तो इसलिए आप साइज़ चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका चार्ट यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे हालांकि यहाँ पे नेट यहाँ पे स्लो है शायद, इसलिए यहाँ पे इसका चार्ट नहीं खुल रहा है। तो आप यहाँ पे चार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसका भी चार्ट आ जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे इन सभी ऐप्स में आपने देखा कि ऐसे कैसे मतलब इसका चार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप कोई भी कपड़ा परचेस कीजिए जींस में तो उसका चार्ट जरूर देखिए। यहाँ पे साइज़ के अनुसार भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें 2+ करके होता है, और आप इसके भी आधार पे ले सकते हैं कि आपका मतलब क्या साइज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी किसी जींस में मतलब मैक्सिमम लेवल तक होता है ये, और किसी किसी जींस में आपको सेम नज़र आता है। जैसे मैंने आपको अमेजन में दिखाया कि उसका जितना साइज़ दिखा रहा था सेम साइज़ हो रहा था। जैसे कि वहाँ पे 30 पे दिखा रहा था, तो आप 30 का ही लेंगे तो आपके कमर में फिट आएगा, यानी कि आपकी एक्चुअल 30 भी होगी और जो इसमें दिखा रहा है वो भी 30 था। ठीक, तो ये किसी किसी जींस में होता है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि यदि आपका 32 का लेते हैं तो वो 34 होगा, 36 का लेंगे तो 38 होगा, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया। जैसे कि यहाँ पे फिर से एक बार चार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 28 का लेते हैं तो यहाँ पे जो इसकी कमर एक्चुअल में 30 है। ठीक, तो आप इस प्रकार से आप चार्ट देख के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर आपकी जो एक्चुअल में लेनी चाहिए कौन सी साइज़, वो यहाँ पे कन्फर्म हो जाती है। ठीक, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सब कुछ यहाँ पे चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, यानी कि आपको जब भी परचेस करना है तो आपको मेज़र पहले सबसे पहले अपने शरीर का बॉडी का मेज़र पता होना चाहिए, तभी आप तो डिसाइड कर सकते हैं कि आखिर आपके लिए कौन सा बेटर है। ठीक, सो यहाँ पे आपको साइज़ के अनुसार भी बता दिया कि किसी किसी में 2+ करके होता है तो आप 2 कम करके लीजिए। आपकी एक्चुअल साइज़ यदि कमर की 32 है तो आप 30 का लीजिए, यदि आपकी कमर 30 है तो आप 28 की जींस लीजिए, तब आपका जो कपड़ा है वो यहाँ पे फिक्स आएगा। ठीक, वहीं यदि आप किसी किसी में मतलब पूरा वो आता है फिक्स आता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको अमेजन में दिखाया कि यहाँ पे इसकी जो कमर है 28 है और यहाँ पे एक्चुअल में भी इसकी 28 ही है। तो यहाँ पे आप चार्ट देख लेने से सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आखिर इस कपड़े का मेजरमेंट क्या दिया गया इसमें। ठीक, सो फ्रेंड्स ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हालांकि मैं आने वाली वीडियो में शर्ट और टी शर्ट के लिए बताऊंगा कि उसमें लार्ज, XL, XXL, प्लस में स्मॉल ऐसे आता है, स्मॉल आता है, प्लस में मीडियम आता है, उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, मीडियम में क्या साइज़ होती है, आपको कौन सा साइज़ लेना चाहिए, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा। हालांकि मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपके साइज़ का कुछ दिक्कत है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। सो धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।